बड़वानी भारतीय किसान संघ के बैनर तले धरने पर बैठे किसानों से ज्ञापन लेने पहुंचे लोकसभा और राज्यसभा सांसद किसानों की कर्ज माफी की बात पर कांग्रेस सरकार पर लगाया आरोप। भाजपा कर्ज माफ करेगी या नहीं इस पर कुछ भी नहीं बोले। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले आज किसान एक दिवसीय धरने पर बैठे। किसानों का जहां कहना है कि सीसीआई की खरीदी शुरू की जाए, वहीं खराब हुई फसलों का सही सर्वे कर उन्हें मुआवजा दिया जाए। साथ ही वह यह भी आरोप लगाते हैं कि मिर्ची की खराब हुई फसलों की तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। इसी के साथ किसान यह भी मांग करते हैं कि कांग्रेस सरकार द्वारा 2 लाख तक के कर्ज माफ की बात की गई थी, लेकिन आधे लोगों का कर्ज माफ हुआ है और आधे लोगों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। अब सरकार सभी किसानों का कर्ज माफ करे। कांग्रेस भाजपा के चक्कर में आधे किसान डिफाल्टर हो गए। किसानों का कहना है कि कोई भी सरकार हो, बीजेपी या कांग्रेस, किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। किसानों के धरना स्थल पर ज्ञापन लेने क्षेत्र के दोनों सांसद पहुंचे। लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने किसानों से मुलाकात की और ज्ञापन लिया। जब हमने क्षेत्रीय सांसद से किसानों की कर्ज माफी की बात की तो उन्होंने कांग्रेस सरकार के कर्ज माफी के मुद्दे पर कई तरह के सवाल खड़े किए, लेकिन भाजपा सरकार कर्ज माफ करेगी या नहीं इस पर नहीं बोले। ना ही उन्होंने कहा कर्ज माफी के मुद्दे को उठाएंगे। वह अपनी सरकार की उपलब्धियां जरूर गिनाते नजर आए। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना में हमने घोषणा की थी तो पूरी राशि लोगों के खाते में डाली जा रही है, लेकिन कर्ज माफी का क्या होगा उस पर बोलना उचित नहीं समझा। हमारा आंदोलन है कि पूर्व में हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके थे कि जो जिले में 70% फसलें खराब हुई है, लेकिन आज तक उतना तो उसका सर्वे हुआ, ना तो किसानों को मुआवजा मिला है। जैसे मिर्ची की फसल भी पूर्ण रूप से खराब हो गई, उस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। और हमारी जो मांग है सीसीआई खरीदी होना चाहिए वो नहीं हो रही है। और जो सरकार ने वादा किया था कि 2 लाख रुपए माफ़ करेंगे, कुछ लोगों का हो गया वादा अधूरा, जो 2 लाख रुपए माफ़ नहीं हुए, ये मांगों को लेकर हमारा एक दिवसीय भारतीय किसान संघ का धरना है। जैसे कांग्रेस सरकार ने वादा किया था 2 लाख रुपए माफ़ होंगे, अब गवर्नमेंट चेंज हो गई है, क्या कहूँगे इसको लेकर? लेकिन सरकार के बीच में किसानों की ये स्थिति है कि बहुत सारे किसान डिफाल्टर हो गए इनके बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में। हम ये चाहते हैं कि 50% किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, 50% लोगों का क्या दोष है? इसलिए हम चाहते हैं कि भले कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस, लेकिन सभी किसानों का कर्जा माफ़ होना चाहिए। कहना कि कांग्रेस ने 2 लाख का आधा कर्ज माफ़ किया है, आधा कर्ज बचा हुआ है वो भाजपा सरकार माफ़ करें, ऐसी कोई रणनीति बनाई जाएगी? मुझे लगता है कि पहली बात तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारा कांग्रेस का कहना साफ और किसानों का कर्जा माफ़, और उसमें कोई उन्हें मापदंड तय नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हम 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे अगर हमें सरकार बनेगी तो, और किसानों ने विश्वास से उनको वोट भी दिए और उनको बहुमत देकर सरकार चलाने का उनका स्थापित भी किया। और कमलनाथ जी ने बोला था कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। मुझे लगता है कि उनको 15 महीने प्रदेश में किसानों ने सरकार चलाने का अवसर दिया, परंतु उनके ही दल के विधायक जो उनको लग गया कि भाई किसानों का कर्जा माफ़ नहीं कर रहे हैं, कई जगह 10,000 माफ़ कर रहे हैं, कई जगह 15,000 माफ़ कर रहे हैं, उनने कभी ऐसा तय नहीं किया था कि मापदंड तय करेंगे। परंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के शिवराज जी और केंद्र के हमारे देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि हमने अगर प्रधानमंत्री आवास कुटीर योजना में नगरीय क्षेत्र में 2.5 लाख रुपये प्रधानमंत्री आवास में और ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपये अगर हम दे रहे हैं तो सीधा उनके खाते में जा रहा है, उसमें कोई देरी नहीं लग रही। परंतु राज्य की वो कांग्रेसी सरकार जिसने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, मध्य प्रदेश का एक भी किसान ऐसा नहीं जिसका 2 लाख का कर्जा माफ़ हुआ।